बिहार की राजनीति का आज सबसे बड़ा दिन है। यूं कहें तो बिहार की सियासत का सुपर संडे है। प्रदेश में पिछले चार दिनों से चल रहे सियासी ड्रामे के क्लाइमेक्स की घड़ी भी अब नजदीक आ गई है। नई सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार ने आज जेडीयू विधायक दल की बैठक बुलाई है। सबसे पहले जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी। नीतीश के घर पर जेडीयू की बैठक आयोजित की गई है। ये करीब करीब तय है कि इस बैठक में आरजेडी से गठबंधन तोड़ने का फैसला होगा। क्या नीतीश कुमार रहेंगे? ये विधायकों का बहुमत नहीं पूर रहा है लालू यादव को भाजपा मिलने से, तो कैसे ऐसे बोलने का आदत तो है ही है। अड़ियल तो आदमी है ही है, इसमें दो मत नहीं है। तो हम लोगों का बोलिए काफी है, बोलिए बोलवे नहीं करेंगे तो बतवा बनवे नहीं करेंगे। लेकिन बात है उसमें उसके विधायक का बहुमत ही नहीं। भाई वीरेंद्र ने भी गलत बयान दे दिया, यह कह दिया ये लालू जी की कृपा पर वो मुख्यमंत्री बनते हैं। तो भाई बड़ा भाई आशीर्वाद तो है, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, इसमें दो मत। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू विधायक दल की बैठक के बाद सुबह 11:30 बजे नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। उसके बाद नीतीश बीजेपी के साथ गठबंधन का ऐलान करेंगे। फिर जेडीयू और बीजेपी नेता मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। सूत्रों के मुताबिक आज ही दोपहर 3:30 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। इस सियासी तैयारी के बीच जेडीयू के नेता अब आरजेडी को लेकर हमलावर हो गए हैं। राजद नेतृत्व बेचैन है। बेचैनी का कारण साफ है कि चूंकि इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का। 2,15,000 शिक्षकों की बहाली जो तय सीमा में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें न पदस्थापन में चल पाया न नौकरी देने में चल पाया, तो स्वाभाविक है अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अनर्गल प्रलाप पर रोक लगाइए, वरना अंजाम इसका राजनीति में बेहतर नहीं होगा। जेडीयू और बीजेपी में सरकार को लेकर फॉर्मूला भी सेट हो गया है। सूत्रों के मुताबिक नई सरकार में नीतीश सीएम होंगे, सरकार में बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम होंगे, सुशील मोदी, रेणु देवी का नाम सबसे आगे। फिलहाल आज पूरे देश की निगाहें बिहार की राजनीति पर टिकी हैं कि कब क्या होने वाला है, क्योंकि इसका असर लोकसभा चुनाव में जरूर दिखेगा। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।